हेलो स्टूडेंट्स, इट इज योर फिफ्थ क्लास ऑफ सॉल्यूशन मींस सॉल्यूशन पार्ट फाइव इन विच यू विल स्टडी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। व्हाट डू यू मीन बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या समझते हैं? जैसे पानी को में जब हम चीनी डालते हैं तो चीनी होता है सॉल्यूट और पानी हुआ सॉल्वेंट, तैयार हो जाता है शरबत, उसे कहते हैं सॉल्यूशन। तो वैसा गुण जो चीनी के पार्टिकल्स की संख्या पर डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर पर, उसे हम लोग कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स नॉट अपॉन नेचर आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दोज प्रॉपर्टीज विच depend upon number of solute particles not upon nature relative to total number of particles present in solution are called colligative properties. These are four in number. चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, now we have to study first of all relative lowering of vapor pressure. Before knowing relative lowering of vapor pressure, you have to know what is vapor pressure. yani isko janne ke pehle tumko janna padega ki vapor pressure kise kehte hain. vapor pressure तुम लोग कॉमनली इसके बारे में यही सोचते होगे कि जैसे किसी भेसल में कोई लिक्विड है, ये भेसल है और इसमें लिक्विड है और इस लिक्विड का जो वेपर बनता होगा इसमें उसका जो प्रेशर लगता होगा लिक्विड के सरफेस के ऊपर उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। जनरली लोग यही समझते हैं लेकिन वैसी बात नहीं। सबसे पहले तो इस बर्तन को बंद होना चाहिए और बर्तन को बंद होने के बाद
इसमें सबसे पहले लिक्विड रहता है तो उसका वेपर बनेगा, और वेपर बनेगा तो इस प्रोसेस को इवेपोरेशन या वेपराइजेशन कहते हैं। वेपराइजेशन जब होगा तो ये लिक्विड वेपर में बदल जाएगा, ऊपर में कुछ आएगा, कुछ आएगा तो इसका ये चूंकि लिक्विड वेपर बदल गया तो इसका लेवल नीचे चला जाएगा, थोड़ा इसका लेवल नीचे चला गया, देखो इससे नीचे चला गया, इसका लेवल नीचे चला गया, इवेपोरेशन हो रहा है। कुछ देर के बाद क्या होगा कि जो बना हुआ ये है वेपर, इसकी संख्या पार्टिकल्स की संख्या जब बढ़ जाएगी तो ये कंडेंस होना शुरू होगा, पानी में फिर से घुलना लगेगा, कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, तो फिर लेवल इसका बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वेपर कंडेंस होकर लिक्विड में आने लगे तो इसका लेवल फिर थोड़ा ऊपर होगा, लेकिन एट द सेम टाइम वेपराइजेशन भी तो हो रहा है, ये भी काम हो रहा है, ये ज्यादा गिरने नहीं देगा। एक समय ऐसा आएगा कि दोनों का रेट जब बराबर हो जाएगा, जितना तेज से वेपर बन रहा है इवेपोरेशन जब आ जाएगा, इवेपोरेशन आ जाएगा इक्विलिब्रियम, उसमें इक्विलिब्रियम बिटवीन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, दोनों के बीच जो इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो इसका लेवल घटना या बढ़ना बंद हो जाएगा, ये फिक्स्ड हो जाएगा लेवल, और जब फिक्स्ड हो जाएगा लेवल इसका, ये फिक्स्ड हो गया लेवल, दोनों काम हो रहा है, तो ये जब फिक्स्ड लेवल हो गया तो इस समय क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया बिटवीन इक्विलिब्रेशन एंड कंडेंसेशन, तो दोनों के बीच जब इक्विलिब्रियम हो जाती है उसी समय लिक्विड के वेपर के द्वारा, ये वेपर है के द्वारा लिक्विड के सरफेस के ऊपर जितना प्रेशर लगाया जाता है उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं, या सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कहते हैं, या इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर कहते हैं। इसमें क्या हुआ, लेवल लेवल कांस्टेंट, यहां लेवल डिक्रीजेज, क्यों, ड्यू टू इवेपोरेशन, तो डिफाइन कर देंगे हम लोग, प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर्स ऑफ ए लिक्विड ऑन इट्स सरफेस इन इक्विलिब्रियम बिटवीन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्या लिखेंगे, प्रेशर एग्जर्टेड by vapors of a liquid on its surface in equilibrium on evaporation and कंडेंसेशन इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, डिमॉन्स्ट्रेशन। ओके, now you have to know lowering of vapor pressure, vapor pressure में lowering means घट जाना, और पढ़ेंगे हम लोग lowering of vapor pressure, vapor pressure का lowering।
लोअरिंग मीन्स घटना, वेपर प्रेशर घट जाता है। कैसे घट जाता है? जब किसी सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट डालते हैं, जैसे पानी में चीनी डालते हैं, यह देखो पानी है, वाटर है, इसमें ये प्योर सॉल्वेंट है, और इस सॉल्वेंट में हम चीनी डालते हैं, नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डालते हैं, ऊपर से डाल दें, हो गया क्या? सॉल्यूशन। क्या बन गया? सॉल्यूशन। इसका वेपर प्रेशर से इसका वेपर प्रेशर घट जाएगा, उसी को कहेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी व्हेन ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिसॉल्व इनटू प्योर सॉल्वेंट, देन वेपर प्रेशर डिक्रीज, कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल मींस क्या होता है? अवाष्पशील, जो वेपर में नहीं बदले, जैसे चीनी वेपर बदलता है, नहीं बदलता है, वेपर कौन बनता है? कपूर, कैंपर और भी है, नेफ्थेलीन वगैरह। तो वेन ए नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, वैसा नहीं, नेफ्थेलीन और कैंपर की तरह नहीं, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। तो वेन ए नॉन वोलेटाइल एंड कैसा सॉल्यूट होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स वो जिसे वाटर में डालने पर वो आयन में टूट जाए, जैसे NaCl वाटर में डालते आयन में टूट जाता है, वो भी नहीं होना चाहिए। चीनी में, यूरिया में, ग्लूकोज में, ये सब इसके लिए उपयुक्त, वो नॉन वोलेटाइल भी है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिजॉल्व इनटू ए सॉल्वेंट, देन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाता है। नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, जब कोई नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट घुलाया जाता है सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में, देन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज, तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। जब वेपर प्रेशर घट जाता है उसी को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। इसका रीजन क्या है? तुम रीजन जानना चाहो क्यों घट जाता है? तो जैसे ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसमें है, सिर्फ ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, पूरे में सॉल्वेंट है, वाटर मॉलिक्यूल है, वेपर में बदल रहा है, सब वेपर बदल रहा है, इसमें क्या है? सॉल्वेंट है और उसके बाद सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट। तो ओनली कौन वेपर बदलेगा? पानी बदलेगा कि चीनी भी बदलेगा? पानी यानी वाटर, सॉल्वेंट जो है वही वेपर बदलेगा, चीनी नहीं बदलेगा, चीनी जो बदते हो रहेगा। तो इसका वेपर घट गया कि नहीं? यहाँ वेपर की संख्या कितना था? पार्टिकल्स, और यहाँ कितना घट गया? हो गया, इसीलिए फ्लोरिंग हो जाता है। यानी क्या होता है? इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, इन
इम्प्योर सॉल्वेंट ऑल मॉलिक्यूल्स अंडरगोज वेपराइजेशन. सॉल्वेंट में सभी मॉलिक्यूल वेपर में बदलते हैं, लेकिन सॉल्यूशन में ओनली सॉल्वेंट नॉट सॉल्वेंट. बट इन सॉल्यूशन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डोंट गेट वेपराइज्ड डिमॉन्स्ट्रेशन. इट इज लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर एंड इट इज रीजन फॉर लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर. नाउ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर. बिफोर स्टडिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर यू हैव टू नो पेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन. इसको तुमको याद रखना. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यही स्टडी करना है. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? रिलेटिव तो मान लो कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS है, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा? P-PS. और उसको प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से अगर डिवाइड कर देंगे तो उसे कहा जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. मींस इट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. इस रेशियो को कहा जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. यानी इसी को हम लोग डिफाइन कर देंगे कि रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. खाली सिर्फ रेशियो लिख देना है. क्या लिखेंगे? रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. रिलेटिव दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. लेट
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट क्या हुआ जैसे वाटर, प्योर सॉल्वेंट बी इसको मान लेते हैं पी एंड दैट ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का मान लेते हैं पीएस, प्योर सॉल्वेंट का पी और सॉल्यूशन का पीएस, प्योर सॉल्वेंट का पी और सॉल्यूशन का पीएस, देन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू पी माइनस पीएस बाय क्या होगा, पी माइनस पीएस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का पी और सॉल्यूशन का पीएस, जैसे वाटर का वेपर प्रेशर 100 ml वाटर का और उसमें चीनी डाल दी है तो जो शरबत बना उसका वेपर प्रेशर 80 ml, तो 100 माइनस 80 बाय 100 प्योर सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन बाय प्योर सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके पहले तुमने पढ़ा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू वॉन वॉग साइंटिस्ट, उन्होंने बताया था कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है लेकिन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चेंज ऑफ टेम्परेचर, इस पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं। तो अब पढ़ेंगे हम लोग रॉल्स लॉ, एक रॉल्स लॉ तुम पढ़े थे फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पार्ट फोर में, और आज फिर रॉल्स लॉ हम पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए, यहां पर होगा चीनी और पानी वाला शरबत, मींस डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। रॉल्स लॉ बड़ा आसान है, रॉल्स लॉ कहता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। तो हम मान लेते हैं कि किसी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस होता है, उसके आधार पर इसका फॉर्मूलेशन कर सकते हैं, कब जब स्मॉल एल मोल सॉल्यूट चीनी और को कैपिटल एल मेन मोल पानी में घुलाया जाता है, तो उससे जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसके लिए है। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, अभी लिखेंगे हम सब ऐसे बता रहे, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, चीनी का मोल की संख्या बाई चीनी जोड़ पानी मोल की संख्या, ये क्या हो मोल फ्रैक्शन हो गया ऑफ चीनी शुगर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसी के बराबर होता है, लेट ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग एन मोल सॉल्यूट, स्मॉल एन चीनी कम रहता है तो स्मॉल एन मान लिया, उसके लिए पानी ज्यादा रहेगा तो कैपिटल एन, तुमको भुलाने में यहां पर भुलाने भुलाने में प्रॉब्लम, ये याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगा, मीन्स भुलाओगे, ये एन मोल सॉल्यूट एंड इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग एन मोल सॉल्यूट एंड एन मोल सॉल्वेंट, लेट ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग एन मोल सॉल्यूट
कहां इनटू इनटू एन मोल सॉल्वेंट ड्यू टू भीज, और जिसके कारण ड्यू टू भीज वेपर प्रेशर डिक्रीजेड फ्रॉम पी टू पी एस. नाउ अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ रॉल्स लॉ के अनुसार अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ रॉल्स लॉ के अनुसार क्या हो जाएगा पी माइनस पी एस बाई पी. ये क्या हुआ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ठीक है इज इक्वल टू किसके तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन वही दिख रहा था ना क्या होगा स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन. चीनी कम रहता है उसके मोल को हम स्मॉल मान लेते हैं, पानी ज्यादा रहता है कैपिटल. अब इसको हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है बोलो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, मास ऑफ सॉल्ट बाय मोलर मास ऐसा होता है. तो स्मॉल एन के लिए हम मान लेंगे स्मॉल डब्ल्यू, यहां का स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू, यहां कैपिटल एन के लिए मान लेंगे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू. तो ऐसा हम करेंगे एक सॉल्वेंट के लिए और दूसरा सॉल्वेंट के लिए. तो क्या होगा स्मॉल एन यहां लिखेंगे हम फॉर्मूला स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल एम बाय स्मॉल डब्ल्यू मास बाय मोलर मास या वेट बाय मोलर वेट ऐसे स्मॉल डब्ल्यू बाय स्मॉल एम और कैपिटल एन इज इक्वल टू क्या कैपिटल डब्ल्यू बाय कैपिटल क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट लिख देते हैं इसको लेट डब्ल्यू बी वेट एंड कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल एम बी मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट का इसमें स्मॉल डब्ल्यू वेट हुआ वेट एन मास और स्मॉल एम क्या है मॉलिकुलर मास मॉलिकुलर मास तो मास बाय मॉलिकुलर मास एंड कैपिटल डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड कैपिटल एम बी मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट देन दो चीज आगे ये दोनों को हम यहां यूज करेंगे तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ इसको कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ एन एंड एन इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पी माइनस पी एस बाई पी इज इक्वल टू स्मॉल एम डबल बाई स्मॉल एम बाय स्मॉल डब्ल्यू बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू बाय कैपिटल एम. अगर
सॉल्यूशन बहुत पतला है तो डिनोमिनेटर में हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, किसको, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को, बहुत पतला है इसका मतलब सॉल्यूट के मोलों की संख्या बहुत कम, तो ऊपर में हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, नीचे में नेग्लेक्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट देन स्मॉल डब्ल्यू मे बाय स्मॉल एम मे बी नेग्लेक्टेड, स्मॉल डब्ल्यू बाय स्मॉल एम मे बी नेग्लेक्टेड, मे बी नेग्लेक्टेड इन neglected in denominator, now Rolle's law, according to Rolle's law क्या आ जाएगा, p minus ps by p is equal to small w by small m into capital W by capital M, इट इज योर इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ओके, तो इट इज रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो तुम लोगों ने पढ़ा वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, चार्ज इसमें। अब इस पर न्यूमेरिकल बनाओ, कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अभी कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे इसमें, और फिर क्लास में जब चलेगा तो बहुत न्यूमेरिकल होगा, डिटेल्स होगा, सभी बुक से बना सकते हैं तुम लोग। चारों कोलगेटिव प्रॉपर्टी का कुछ कुछ न्यूमेरिकल अभी हम देते जाएंगे साथ साथ, और ग्रैंड न्यूमेरिकल होगा चैप्टर एंड होने के बाद। क्वेश्चन, फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ वन मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 373 केल्विन। 373 मीन्स क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, समझते हो, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉयल कर जाता है, और किसी भी कोई भी लिक्विड तभी बॉयल करता है जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, यानी इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में तुमको कुछ कुछ इंडिकेशन मिल रहा है कि यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सारी बात हो रही है। कह रहा है क्या, तुम बताएंगे बॉइलिंग पॉइंट बोली, फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ वन मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन एट इतना टेम्परेचर, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड वाटर, वेपर प्रेशर निकालने के कारण वन मोलर सोल्यूशन का कुछ कोई डाटा नहीं, कैसे बनाओगे, तुमको डाटा को तुमको अपने से निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तुमको दिया हुआ यहाँ मोलर सोल्यूशन, वन मोलर सोल्यूशन, तो मोलरिटी फर्स्ट क्लास में पढ़ाए थे, उसे बताए थे मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट या डिजॉल्विंग 1000 ग्राम सॉल्वेंट। तो मोलर सॉल्यूशन, वन मोलर सॉल्यूशन मीन्स प्रेजेंस ऑफ वन मोल ग्लूकोज इन 1000 ग्राम वाटर, दैट इज स्मॉल एम नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू सॉल्यूट का मोल क्या है, वन मोल ग्लूकोज, सॉल्यूट का मोल को यानी मान रहा है स्मॉल एम, अभी माना था चीनी की जगह पर ग्लूकोज आ रहा है, वन मोल कितना है, वन मोल ग्लूकोज इन 1000 ग्राम वाटर,
तो कैपिटल एन इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम वाटर को मोल में बदल देंगे तो मास बाई मोलर मास, मास 1000 ग्राम और मोलर मास 18, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 55.5। दो चीज तो तुमने निकाल दी। अब ऐड 373 कैलोरी बता रहे तुम्हें, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पी इज इक्वल टू 760 mm होता है, बेसिक कंसेप्ट पढ़ाए थे ऐसे भी जानना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm ऑफ एच सी होता है। तो और पूछा है तुमको क्या, वेपर प्रेशर ऑफ मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन पीएस इज इक्वल टू व्हाट अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ के अनुसार क्या होगा, पी माइनस पीएस बाय पी इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बाय स्मॉल एम, इस फॉर्मूला यूज करेंगे और नहीं तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करो ज्यादा आसानी होगा, स्मॉल एम ये फॉर्मूला यूज करो, क्या होगा पी 760 माइनस पी एस बाय पी, पी की जगह फिर लिखेंगे क्या 760 इक्वल टू एन कितना हो 1 प्लस 1 प्लस 55.5 निकल जाएगा, तो तुम निकालोगे इसके बाद पीएस, ठीक है पीएस यू हैव टू नो। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम होगा भी आईआईटी में आया हुआ प्रॉब्लम दे रहे हैं तुम लोग को, फाइंड मोलालिटी मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ग्लूकोज सॉल्यूशन हैविंग वेपर प्रेशर 750 mm एट 373 कैलोरी, मांग रहा है मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन दोनों, अब कुछ नहीं दिया सिर्फ वेपर प्रेशर दिया हुआ। तो तुम रॉल्स लॉ से जानते हो, जब न्यूमेरिकल आए तो पहले उसका फॉर्मूला लिख लो थोड़ा सा नीचे अपने आईडी में लिया क्या हो, तो रॉल्स लॉ से तुम जानते हो पी माइनस पी एस बाई पी और इक्वल टू स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये क्या है मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन तो तुमको एक ही बार निकल जाए कैसे, जब इधर हम डालोगे 760 और 750 बाई 760 निकल गए सॉल्यूशन गिवन, क्या दिया पी इज इक्वल टू 760, उससे पता लगा बॉइलिंग पॉइंट से पता लगा लिया कि 760 ही होगा और पीएस दिया होगा पीएस इज इक्वल टू 750 mm अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ 760 माइनस 750 बाई 760 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन हो गया ऑफ सॉल्वेंट, इसलिए मोल फ्रैक्शन
ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वन बाई, यहाँ क्या हो जाएगा 10 आया ऊपर में और नीचे 760, 1 बाई 76, 10 बाई 760, 10 से जीरो कट गया, ये 1 बाई 76, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इतना आ गया। आगे मोल फ्रैक्शन तुम चाहो तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पर पूरा वो भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, जो भी तुमको आगे वाले प्रॉब्लम हो गया सहायता करें। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल गया, दूसरा में क्या निकालना है, मोलालिटी, मोलालिटी निकालना है। तो मोलालिटी के लिए तो फॉर्मूला फिर तुमने थोड़ा सा स्मॉल एम इज इक्वल टू ए बाई बी इंटू 1000 बाई एम नॉट। तो यहाँ पर स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इज इक्वल टू क्या है 76 और स्मॉल एन का वैल्यू कितना है 1, तो स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इज इक्वल टू 1 अगेन प्लस कैपिटल एन इज इक्वल टू 76, इसलिए कैपिटल एन इज इक्वल टू क्या होगा 75 हो गया। स्मॉल एन कैपिटल एन तुमको मालूम हो गया, स्मॉल एन क्या है नंबर ऑफ सॉल्यूट ऑफ मोलकुल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट ऑफ मोलकुल्स के जगह पर क्या लिखे यहाँ स्मॉल एन होता था वेट ऑफ सॉल्यूट और एम किसी एम नॉट होता था मोलकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी ये क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एन इज इक्वल टू ए बाई एम नॉट, एम नॉट इज इक्वल टू कितना और बी, अब रहा बी, बी क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के वेट के लिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू तुम जानते हो ना कितना नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट कितना होता है, वेट बटे मोलकुलर वेट, तो इसका वेट मास बाय मोलकुलर मास, तो एन इज इक्वल टू मोलकुलर मास को तुम जानते हो वाटर कितना होता है 18 होता है, इसलिए मास इज इक्वल टू क्या होगा एन इंटू मोलकुलर मास। एन कितना है कैपिटल एन 75 इंटू मोलकुलर मास कितना होता है 18। अब यहां पर बी है हम लोग रखते हैं मोलिटी के फॉर्मूला, स्मॉल ए बाई एम नॉट की जगह पर क्या देंगे 1 देंगे इंटू 1000 देंगे और ये बी स्मॉल बी क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है स्मॉल बी है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा 75 इंटू 18 इंटू 75 इंटू 18 बस हो गया। अब इसको भाग दो ना करोगे जो आएगा सॉल्व करके आंसर। तो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन आईआईटी, तो देखा तुमने कि क्वेश्चन कोई कड़ा नहीं होता है, सिर्फ उसको सॉल्व करने की आवश्यकता होती है, टेक्निक से उसको समझने की आवश्यकता होती है, टेक्निकली अगर समझ लेंगे तो बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम भी बन जाएगा। ठीक है, थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।